चलिए दोस्तों, आज हम पैसेंजर मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। पहले इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और चलिए पैसेंजर मूवी का कहानी आप लोगों को साथ शेयर करेंगे। पैसेंजर एक विज्ञान कथा फिल्म है जो 2016 में रिलीज हुई थी। फिल्म भविष्य में सेट की गई है और दो यात्रियों की कहानी का अनुसरण करती है जो एवलॉन नामक अंतरिक्ष यान पर यात्रा कर रहे हैं। एवलॉन होमस्टेड 2 नामक एक नए ग्रह की 120 साल की यात्रा पर है, जिसमें जहाज पर सवार हाइबरनेशन पॉड्स में हजारों लोग हैं। जिम प्रेस्टन क्रिस प्रैट उन यात्रियों में से एक है जो 90 साल पहले एक खराबी के कारण अपनी फली से जागृत होते हैं। उसे पता चलता है कि वह जहाज पर केवल एक ही जाग रहा है और हाइबरनेशन में वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। जिम तेजी से अकेला और हताश हो जाता है। आत्महत्या पर विचार करने के लिए जहाज के प्रतिबंधित क्षेत्रों में सब कुछ तोड़ने का प्रयास करता है। एक मैकेनिकल इंजीनियर जिम फली को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करने में असमर्थ है। फिर वह अगले साल जहाज पर अकेले बिताता है, खुद को बास्केटबॉल खेलने, किताबें पढ़ने और जहाज को पायलट करने का तरीका सीखने जैसी विभिन्न गतिविधियों के साथ कब्जा रखने की कोशिश करता है। हालांकि वह तेजी से अकेला और अलग थलग हो जाता है, जिसमें आर्थर माइकल शीन नाम के रोबोट बार्टेंडर को छोड़कर कोई बात नहीं करता है। अकेले रहने के एक साल बाद जिम एक पत्रकार अरोरा लेन जेनिफर लॉरेंस पर ठोकर खाता है जो हाइबरनेशन में सो रहा है। जिम अरोरा की प्रोफाइल से मोहित हो जाता है और उसके जीवन पर शोध करना शुरू कर देता है, जिससे वह प्रभावित हो जाता है। वह अंततः उसे जगाने का निर्णय लेता है, यह जानने के बावजूद कि ऐसा करने से उसके साथ जहाज पर अपना शेष जीवन जीने के लिए उसकी निंदा होगी। अरोरा शुरू में जिम के साथ उसे जगाने के लिए उग्र है और दोनों की एक चट्टानी शुरुआत है। हालांकि वे बंधन में बंधने लगते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं, जहाज के बाहर स्पेसवॉक जैसे क्षणों को साझा करते हैं। इस बीच जहाज भी तकनीकी मुद्दों और खराबी का सामना कर रहा है, जिससे उनकी जान खतरे में पड़ रही है। अंत में जिम अरोरा को जगाने का निर्णय लेता है और वे एक साथ समय बिताना शुरू कर देते हैं। अरोरा को अंततः पता चलता है कि जिम ने उसे जानबूझकर जगाया और वह काफी गुस्से में और परेशान है। वह जिम से खुद को दूर करने का फैसला करती है, लेकिन वे अंततः सामंजस्य स्थापित करते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं। अरोरा काफी हैरान और गुस्से में है जब उसे पता चलता है कि जिम ने क्या किया है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है दोनों करीब आते जाते हैं और अंततः प्यार में पड़ जाते हैं। हालांकि उनकी खुशी अल्पकालिक है जब उन्हें पता चलता है कि जहाज में खराबी है और वे योजना के अनुसार होमस्टेड 2 तक पहुंचने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। जिम और अरोरा जहाज को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके प्रयास व्यर्थ हैं। उन्हें पता चलता है कि रिएक्टर विफल हो रहा है और ये तय नहीं होने पर जहाज को विस्फोट करने का कारण बनेगा। वे अंततः एक समाधान पाते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में फिल्म अरोरा और बाकी यात्रियों को बचाने के लिए जिम के बलिदान के साथ समाप्त होती है। अरोरा इसे होमस्टेड 2 में बनाने का प्रबंधन करता है, एक नए ग्रह की यात्रा करने वाले पहले पत्रकार होने के अपने आजीवन सपने को पूरा करता है। वह अंततः जिम को जगाने के फैसले के बारे में सच्चाई जानती है और अपनी कहानी दुनिया को बताकर अपनी याददाश्त का सम्मान करना चुनती है। कुल मिलाकर यात्री विपरीत परिस्थितियों के सामने प्यार, अकेलेपन और बलिदान के बारे में एक कहानी है। ये एक विचार उत्तेजक विज्ञान कथा फिल्म है जो भगवान के खेलने के नैतिक निहितार्थ और हमारे कार्यों के परिणामों की पड़ताल करती है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ऐसे वीडियो आप लोगों को मिलते रहेगा। इस चैनल से जाते समय एक बात बोलूंगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब। सी यू, टेक केयर, बाय।